देश के 5 राज्यों में बर्ड फ्लू फैलने के बाद केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को इसके प्रसार को रोकने के लिए अलर्ट कर दिया है। सर्दी का मौसम शुरू होने के साथ ही देश में आने वाले विदेशी प्रवासी पक्षियों के मार्फत बर्ड फ्लू के वायरस के पहुंचने की आशंका जताई गई है। केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में इसके वायरस के पहुंचने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि हरियाणा में हजारों पक्षियों के मरने की सूचना के बाद वहाँ के सैंपल्स को जाँच के लिए भेजा गया है। केंद्रीय पशुधन, डेयरी, पोल्ट्री और मत्स्य विभाग के सचिव के मुताबिक बर्ड फ्लू से अभी किसी व्यक्ति के प्रभावित होने का खतरा नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पका हुआ चिकन और उबला हुआ अंडा खाने से बर्ड फ्लू नहीं फैलता है और ये पूरी तरीके से सुरक्षित है। 2006 के सितंबर से भारत बर्ड फ्लू मुक्त देश घोषित हो चुका था और इसके बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बर्ड फ्लू के प्रकोप को देखते हुए सभी प्रभावित राज्यों में मल्टीडिसिप्लिनरी टीमें बनाकर लोगों के स्वास्थ्य पर नजर रखने के लिए कहा है और इसके साथ ही हरियाणा के पंचकुला और केरल के कोट्टायम के लिए टीमें नियुक्त की गई हैं। पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।